बारिश के चलते टूट गया पुल। बारिश के साथ ही कोरोना का कहर झेल रहा है महाराष्ट्र। देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ और भारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ये वो राज्य हैं जिनके कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण सड़कों पर काफी जल भरा हुआ है और साथ ही लोगों के घर में भी पानी घुस गया है। अब गुजरात में भी भारी बारिश के कारण तबाही का मंजर बना हुआ है। गुजरात में सोमवार को भारी बारिश और बाढ़ के चलते जूनागढ़ के बामनासा गाँव में एक नवनिर्मित पुल ढह गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अगले 3 दिन में सौराष्ट्र और उत्तर और दक्षिण गुजरात के क्षेत्रों में भारी बारिश होने की आशंका है। साथ ही महाराष्ट्र में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है और अगले 3 दिन तक भारी बारिश की आशंका है। इसी के साथ आपको बता दें कि 3 दिन से लगातार बारिश महाराष्ट्र में हो रही है, वैसे ही कोरोना के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,368 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 204 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,11,987 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 9,000 के पार चले गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक राज्य में 9,026 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहां कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस बीमारी से उभरने वालों का आंकड़ा भी बेहतर है। अब तक 1,15,262 मरीज इस बीमारी से ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं और अब राज्य में 87,681 सक्रिय मामले हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।